उन लोगों ने फॉन्ट अलाइनमेंट वगैरह के ग्रुप पढ़ने हैं। अलाइनमेंट का भी मैंने कल तक तकरीबन ये जो दो नए टूल थे, सॉरी तीन नए टूल थे, तीनों मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जो हमारा नंबर का ग्रुप है इसके अंदर ये टूल्स देखिए, जनरल नंबर, करेंसी, डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। मज़ीद फॉर्मेट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो कोई डेट लिख रहे हैं आप या इस तरह से परसेंटेज वगैरह लगा रहे थे तो ऑटो फॉर्मेट करता है। हमें जो ज़रूरत होती है बेसिकली वो इंक्रीज डेसिमल पॉइंट्स या डिक्रीज डेसिमल पॉइंट होती है। लेट अस सपोज कि मैं यही वाला लिखती हूँ 0.0% और मैंने एंटर किया। अच्छा, तो यहाँ देखो दो पॉइंट लगे हुए आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया परसेंटेज पर। यहाँ देखें परसेंटेज है, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे या इससे पहले जब मैंने यहाँ क्लिक किया था तो जनरल फॉर्मेट आ रहा था और परसेंटेज कुछ नहीं डिफाइन कर रहा था। मैंने बराबर में परसेंटेज डिफाइन कर दिए इसलिए इसने ऑटोमेटिकली परसेंटेज फॉर्मेट ले लिया है। लेकिन अगर हमारी कोई नई शीट हो, लेट अस सपोज कि नई शीट है और मैं नए सेल के अंदर हूँ और मैंने लिखा 0.0%, होप्स हो के ना लेंगे, लेकिन अभी भी इसने परसेंटेज फॉर्मेट ले लिया है। अच्छा खैर, अब मुझे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो मैं यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया है और इसको डिक्रीज डेसिमल पॉइंट करवाऊँगी, यानी डिक्रीज डेसिमल से ये डेसिमल पॉइंट जो है वो वन प्लेसेस तक या टू प्लेसेस तक, जैसे हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है कि टू डेसिमल प्लेसेस तक शो करें या थ्री डेसिमल प्लेसेस तक शो करें, तो अगर टू या थ्री डेसिमल प्लेसेस तक शो करना है तो इंक्रीज़ करेंगे और सिंगल डेसिमल प्लेस शो करना है तो उसके लिए हम इसको डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे करेंसी फॉर्मेट हैं डिफरेंट। हमारे जो कीबोर्ड हैं वहाँ पर सिर्फ डॉलर का साइन मौजूद है। अगर आप मज़ीद कोई और करेंसी फॉर्मेट देना चाहते हैं तो पहले आपने डेटा देना है, उसको सेलेक्ट करना है, देन आपने करेंसी फॉर्मेट जो भी यहाँ पर डिफाइन है, ये जो भी आप लेना चाहते हैं वो मोर करेंसी अकाउंटिंग फॉर्मेट के अंदर से आपको मिल जाएगा। करेंसी में जाके यहाँ डिफरेंट करेंसीज़ हैं और ये सिम्बल्स हैं, सिंबल्स के अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक सेकंड, ये आई में इंडिया का आ रहा होगा, फिर हम पाकिस्तान में जाते हैं, पी की सीरीज़ में जब हम जाएंगे तो हमें पाकिस्तान मिल जाएगा। होप्सो के नहीं, पी वाली सीरीज़ में नहीं है, तो चेक कर लेते हैं रुपीज़ हमें कहाँ मिलेगा। हाँ, वही चेक कर रही हूँ कि कहाँ मिलेगा, मेरे डिज़ाइन से निकल गया। आर एस वाले में अभी के वाली सीरीज़ चल रही है, ये रहा आर एस। आर एस उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का जो करेंसी है अगर आपने वो डिफ़ाइन करनी है इसके साथ तो आपने इस तरह से डिफ़ाइन करनी है, मतलब यहाँ पर आपने करेंसी अप्लाई करी, ओके किया। तो अब देखो कोई भी करेंसी फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे तो ये इसी तरह से शो करवाएगा, मतलब डेसिमल प्लेसेस ऐड करवा देगा। अगर चाहिए तो आप रख सकते हो डेसिमल प्लेसेस, नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है, डिक्रीज डेसिमल करेंगे। तो ये इस तरह से आपको सिर्फ करेंसी आपको देगा यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइमिंग फॉर्मेट है, जैसे ही आप टाइम लिखेंगे कोई भी ऑटोमेटिकली ये टाइम फॉर्मेट खुद ब खुद चेंज कर देगा। लेट अस सपोज मैं लिख रही हूँ 10 o'clock, अभी यहाँ फॉर्मेट देख लो जर्नल है, ठीक है, टाइम डिफाइन किया मैंने और जैसे ही मैंने टाइम डिफाइन किया इसने जो है कस्टम फॉर्मेट में आके यहाँ पे ऑटोमेटिकली AM शो करवा दिया। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आ रहा AM, लेकिन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये अब अगर आपने कभी कैलकुलेशन करनी है टाइम के ऊपर तो क्या होगा कि टाइम को ही काउंट करके और कैलकुलेट करवाएगा। जैसे हम सिंपल नंबर्स को अगर हम प्लस करवाते हैं तो क्या होता है कि हमारे नंबर्स तो कंटिन्यूस हैं, कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हमारे नंबर्स, लेकिन टाइम क्या है, टाइम का एक ड्यूरेशन है 1 to 24। इसी तरह से आर की अगर हम घंटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 to 24 तक के घंटे होते हैं। इसी तरह से अगर हम मिनट की बात करते हैं तो 60 मिनट हैं, इसी तरह से सेकेंड्स हैं तो वो भी 60 होते हैं। तो ये टाइम फॉर्मेट इसलिए काउंट करता है इसको, ताकि जब वो कैलकुलेशन मज़ीद कैलकुलेशन हम इसके ऊपर करवा रहे हैं तो टाइम की फॉर्मेट में ही कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट दें। अदरवाइज़ अगर सिंपल नंबर्स में हम जनरल नंबर्स के अंदर कैलकुलेशन करवाएंगे तो वो हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा।
तो फॉर्मेट जो है वो डिफाइन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। और एक्सेल का जो है वो प्लस पॉइंट है कि आप जो भी टाइम फॉर्मेट देंगे, करेंसी फॉर्मेट देंगे, जो भी फॉर्मेट आप इसको देंगे वो एज इट इज़ वैसे ही सपोज करेगा। इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं कि ये टाइम को टाइम ही सपोज करता है। अच्छा जी जी, ये कोलन जो है वो आप मेंशन करेंगे तब टाइम काउंट करेगा, अदरवाइज अगर मैं डेट मेंशन करना चाह रही हूँ 2/2/2022 तो यहाँ देखेंगे इसने डेट मेंशन कर रहा है। यहाँ पर इसने कोई ऐसी सजेस नहीं दिया है लेकिन डेट मेंशन कर रहा है। डेट क्यों मेंशन कर रहा है और वो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, साल तो जो है वो चलते चले जा रहे हैं लेकिन जो हमारे मंथ्स हैं वो 12 हैं और जो वर्किंग डेज हैं वो हमारे 30 या 31 होते हैं, इसलिए इसको भी टाइम डेट के फॉर्मेट में ये सपोज करता है। और फिर जब हम इसके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो डेट की फॉर्मेट में ही कैलकुलेशन करवाता है। ये भी मज़ीद जो है वो आप लोगों की वर्किंग शीट्स हैं और ये आपकी मेन शीट है जो आप लोगों ने बनानी होगी, ठीक है। इसके अंदर आपके जो फॉर्म के और अलाइनमेंट के और नंबर्स के तीनों ग्रुप के जो टूल्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो गए हैं। अभी जो है फ़िलहाल सिर्फ आप लोग ये बना लीजिए।